हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्या पांडे है। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, माया क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आई हूँ वो है हमारा फर्टिलाइजर, और जो कि हम फ्री में अपने घर में बना सकते हैं। जो दोस्तों हम लोग चाय बनाते हैं और उस चाय के बाद जो चाय पत्ती बचती है हम लोग उसको फेंक देते हैं, पर दोस्तों हम लोग उसको फेंका ना करें। उस चाय पत्ती को आप सुखा लीजिए और उसको सुखा लीजिए आप, और उसके बाद उसका यूज़ कीजिए। उस चाय पत्ती में दोस्तों चीनी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, दूध भी नहीं होना चाहिए। जो चाय पत्ती को जो हम चाय बना लेते हैं उसके बाद जो चाय पत्ती हमारी बच जाती है उसको आप बहुत अधिक वॉश कीजिए, कम से कम 6 से 7 बार, ताकि उसमें से जो उसका मीठापन हो या उसमें कुछ दूध वगैरह का वो हो वो सब उसमें से निकल जाए। हाँ, अगर अदरक वगैरह कुछ इलायची वगैरह हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों उसको आप सुखा के फिर उसको आप एक फर्टिलाइजर के रूप में अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जो मैंने वीडियो बनाया है वो है सूखी हुई जो चाय पत्ती होती है, उस वीडियो में मैंने उसका उपयोग दिखाया है। लेकिन आज दोस्तों मैं जो है उसका लिक्विड फॉर्म जो होता है चाय पत्ती को, उसमें उस चाय पत्ती का मैंने यूज किया है। उसे पानी में मैंने कल रात से जो है भिगा के रखा हुआ था, और आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है वो पानी, ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये वो चाय पत्ती का पानी है दोस्तों, जिसको मैंने कल रात से पानी में जो है भिगा के रखा हुआ था। और आज दोस्तों मैं ये फर्टिलाइजर अपने सभी प्लांट्स में देने वाली हूँ। और जो ये फर्टिलाइजर है दोस्तों, आप जानते ही हैं कि चाय पत्ती में भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये एक एनपी का जो फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं ये उसका काम करती है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है और ये एनपी का भी काम करती है। और दोस्तों जैसे जिन प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है तो ये जो फर्टिलाइजर है ये बहुत अच्छे से काम करता है उन प्लांट्स के लिए। वैसे तो ये सभी के लिए ही काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है, जैसे टमाटर के हैं और भी कई प्लांट्स हैं जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो ये फर्टिलाइजर उसके लिए बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर है, और जो कि बहुत फ्री का है दोस्तों, कोई इसमें पैसा हमारा खर्च नहीं होता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने बाल्टी में जो है 2 से 2.5 लीटर पानी जो है मैंने लिया हुआ है, ये देखिए आप। और ये जो है आप देख लीजिए, ये एक गिलास जो है मैंने, ये एक गिलास के करीबन फर्टिलाइजर ये मैंने लिया हुआ है। इसको मैंने रात से जो है पानी में चाय पत्ती को रखा हुआ था, और ये हमारा फर्टिलाइजर तैयार है लिक्विड। तो मैं इस पानी में इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा सा और मिला देती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पानी थोड़ा 2 लीटर से ज्यादा है दोस्तों, तो ये जो है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने अच्छे से इसमें मिला दिया दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने मिला दिया, और बस ये हमारा फर्टिलाइजर तैयार है दोस्तों प्लांट्स में देने के लिए। तो दोस्तों इस तरह जो, और दूसरी बात दोस्तों, ये एक तो फ्री का फर्टिलाइजर है जो पत्ती हम फेंक देते हैं, एक
दूसरा, जब हम चाय पत्ती को, जो ड्राई वाली चाय पत्ती का हम यूज करते हैं, उसको सुखा कर और उसका उपयोग करते हैं, वो भी काम करती है हमारे पेड़ों में, बहुत अच्छा काम करती है। पर दोस्तों वो बहुत स्लो उसमें काम करती है, बहुत धीरे धीमे धीमे काम करती है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है ना दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर है ये थोड़ा तेजी से काम करता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए ये प्लांट्स को, इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी हमें, हमारे प्लांट्स को जल्दी मिल जाते हैं, बजाय सूखी हुई चाय पत्ती के। जब सूखी हुई चाय पत्ती के बजाय ये जो लिक्विड फॉर्म है, ये हमारे प्लांट्स को, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम आज ये फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स में देने जा रहे हैं दोस्तों, और ये भी फ्री का ही फर्टिलाइजर है। और चलिए दोस्तों हम दे देते हैं अपने प्लांट्स में। ये देखिए आप, ये मैं थोड़ा थोड़ा सब में दे दूंगी दोस्तों, और ये मैंने अपने, ज़्यादा नहीं दूंगी दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा देखिए, ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सबको मैं दे रही हूँ। और आप ये देखिए, ये सभी प्लांट्स में दूंगी आज मैं अपना ये फर्टिलाइजर। ये देखिए, और बाकी प्लांट्स में मैं दे दूंगी दोस्तों फर्टिलाइजर ये वाला, और क्योंकि बहुत सारे पॉट्स हैं उनमें देने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब में दे दूंगी दोस्तों। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ताकि जो भी मेरी जानकारियाँ हों वो अधूरी ना रह जाएं दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो बनाऊं, जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं, उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके, और आप मेरी नई वीडियो और मेरी नई जानकारियाँ आप ले सकें। अच्छा दोस्तों, बाय, नमस्ते दोस्तों, बाय।